नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस किताब से ली गई है उसका नाम है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जिसके लेखक है डॉक्टर न्यूटन कोंडाविटी सर। ये जिस लड़की की कहानी है दोस्तों, उसको हमने नाम दिया है आलोक। आलोक के साथ ये प्रॉब्लम थी कि वो ना दोस्तों, मतलब रोज़ के जीवन में इसको ऐसे लगता था कि उसको किसी ने दबाया है, या फिर उसके आवाज़ को कोई भी कीमत नहीं, या फिर उसको ये लगता था कि अगर वो बोलेगा तो उसके खिलाफ़ कोई कुछ कार्रवाई करेगा या फिर उसको कोई सज़ा देगा। इन सारी चीज़ों से मतलब बचपन से वो बहुत ही परेशान था। उसको कोई भी, उसके माता पिता भी उसके साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करते थे, लेकिन इसको ही ऐसे लगता था कि शायद उसको कोई दबा रहा है, या फिर उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी कर रहा है, उसको बहुत ही बुरा कोई व्यवहार उसके साथ कर रहा है, या फिर अपनी जो भी बातें होगी, छोटी छोटी भी बातें वो लोगों को कहने से डरता था। उसको ये लगता था कि इसका कोई बुरा नतीजा होगा। इन सारी चीज़ों से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ था, और तब उसने ये सोचा कि वो एक बार अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा के देखेगा। तो इस वजह से वो डॉक्टर कोंडाविटी सर के पास आया था। और जब उसने अपना दोस्तों पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया, तब उसने ये देखा कि एक जन्म में वो अमेरिका में जो गुलाम होते, जो स्लेवरी होते थे, स्लेव्स, तो उसमें का एक गुलाम था, और वो बहुत ही बुरी अवस्था में उस वक्त रह रहा था। और उस गुलाम की ज़िंदगी में आपको भी पता होगा कि उनको खुद के ऐसे हक भी नहीं होते थे, एक इंसान का ही दर्जा उनको नहीं मिलता था, और वो अगर कुछ भी अगर बोले जो मतलब दुनिया के खिलाफ या फिर उन गोरों लोगों के खिलाफ हो, तो उन पर बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही कठोर शिक्षा उनको दी जाती थी। आज भी मतलब अगर हम रिकॉर्ड देखते थे, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, मतलब एकदम छोटी सी मामूली सी कोई गलती की वजह से भी उनको मौत के घाट उतारा जाता था दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों से वो जो आलोक था, उस जीवन में अपने जीवन से बहुत ही परेशान हुआ था, और उनको कोई भी मतलब दर्जा नहीं था, उनको कोई भी हक नहीं थे, सारे लोग एकदम उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे। तो ये जो चीज़ थी दोस्तों, वो उस आलोक के उस जीवन के सिर्फ मन में ही नहीं, बल्कि उसके आत्मा के भी मन में कहीं ना कहीं ये इस तरह से गाड़ गई थी दोस्तों, कि जो उससे वो थोड़ा सा बाहर नहीं निकल पा रहा था। और इस वजह से इस जीवन में इतने सालों के बाद भी आप जब उसका यहाँ पर जीवन हुआ था शुरू, फिर भी वो सारी चीज़ें उसका सामना, मतलब उसको फिर से उसका सामने आ रही थी और उसको परेशान कर रही थी। आलोक को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई थी इन सारी चीज़ों से। और धीरे धीरे जब उसको ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन में पता चला कि ये एक जीवन का उसका नतीजा है, कि वो इस तरह से घबराता है इन सारी चीज़ों से, या फिर दबा दबा वो इसलिए रहता है क्योंकि उस जीवन में उसके सामने कुछ ऐसे पल आए थे, तब उसके जो सारी चीज़ें हैं, वो जो भी उसका मतलब उसके मन में सवाल थे, उसको कहीं ना कहीं उसके जवाब मिले, और वो एक खुली ज़िंदगी अब जी रहा है। उसको अब पता है कि अब उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। वो जो बहुत ही बुरा जन्म उसका उस वक्त में था, उसका कहीं ना कहीं एंड हो गया है, और एक अच्छी ज़िंदगी वो फ़िलहाल जी रहा है। तो इस वजह से अब उसको इन सारी चीज़ों से डर नहीं है। और उसने मतलब इन सारी इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि देखिए दोस्तों, हमारे जीवन में मुझे भी पता है कि कुछ ऐसे पल आते हैं जहाँ पर हम थोड़े से डर के रहते हैं, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, जितना हो सके उसका सामना करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो सच कहने के लिए वगैरह डरते, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना हो सको हमें अपना मतलब हमारे जो भी मतलब ख्याल है या फिर हमारे जो भी डिसीजन है, वो हमें लोगों को कहने चाहिए। किसी से मतलब दबे दबे हमें नहीं रहना चाहिए दोस्तों। जितना हो सके हमें परिस्थिति का सामना करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम पर कोई अन्याय करता है तो उसका भी सामना, मतलब उसका प्रतिकार भी हमें करने की अपने हिसाब से कोशिश करनी चाहिए। ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, वो हमारी आत्मा को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शक्ति देती है, या फिर कहीं ना कहीं हमारे अंदर की जो ताकत होती है। बहुत लोग यही कहते हैं कि उनके सामने जब बुरी मतलब परिस्थितियां आई, तब उनको पता चला कि उनके अंदर कितनी ताकत है, या फिर वो कितना कुछ कर सकते हैं दुनिया में। बहुत बड़े बड़े जो समाज सेवी है, उनके भी सामने कहीं ना कहीं बुरी मतलब परिस्थिति आई, और उसके बाद उन्होंने बहुत ही अच्छा कुछ करने की कोशिश की। तो मैं तो यही कहूँगा कि दोस्तों, अपने हिसाब से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। कभी भी किसी के मतलब दबे दबे इस तरह से रहने की हमें ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर बहुत ही बड़ी शक्ति है, और जितना हो सके आप उसका मतलब इस्तेमाल कर सकते हो। अपने आपको कभी भी हमें कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जितना हो सके हम दुनिया में कुछ अच्छा करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, और उसमें ज़रूर दोस्तों कामयाब हो सकते हैं। आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें। जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी।
और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।